के बारे में अभी हमारे जो अधिवक्ता हैं भगत सिंह जी, उन्होंने डिटेल से बता दिया है। मांगे हमारी जो पिछले 8-10 महीने से हम जिला प्रशासन से मिलते आए हैं, बार बार हम उन मांगों को वहाँ उठा रहे हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। ना कोई मौके पर अधिकारी जाता है, ना NHI के कोई अधिकारी जाते हैं, और जो कुछ भी ये कर रहे हैं वो नियमों के विरुद्ध कर रहे हैं। इसके विरुद्ध जो है आज हमने ये स्टेप उठाया है और आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा जो इनके मूल्यांकन मकानों के किए गए हैं, कल मैंने अपने मकान का मूल्यांकन देखा, तो आज जो 5-7 साल पहले हमने घर में बोर करवाया था पानी का, उसका 3.25 लाख रुपये खर्चा आया था, और वो खर्चा जो है इन्होंने 1,67,000 रुपये दिखाया उसमें जो है। तो एक एक चीज़ पर लाखों रुपए का ये घोटाला कर रहे हैं, तो इसके पीछे हमें कुछ षड्यंत्र लग रहा है, तो हम इसका विरोध करते हैं। ये सभी के साथ हुआ है, गरीब जनता है, ज़मीनों के दाम इतने कम लगाए हैं कि उसके रेट से तो कहीं मतलब बिल्कुल घटिया से घटिया ज़मीन भी नहीं मिलती नहीं। जो बरानी में है ज़मीनें हैं या कोली ज़मीनें हैं जिनमें सब्जियां उगती हैं और जो घासनी हैं उनके सबके रेट एक लगाए हैं। ये तो वो बात हुई कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। का विरोध करते हैं हम, हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग करते हैं, और हम हिमाचल प्रदेश सरकार का विरोध नहीं करते हैं, मगर हम NHAI का विरोध करते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसने आज नेर चौक कीर्तपुर 4 लेन के लोगों के साथ, किसानों के साथ भी जाती हुई है, और आज मटौर से शिमला, जो नौनी से लेकर के भराड़ी घाट तक 15 गांव ही जिला बिलासपुर के अंदर इसमें आते हैं, आज तक मौके की निशानदेही नहीं दी गई, RD नहीं लगाई गई, RD पे नंबर नहीं लगाए गए, मौके पे पिलर नहीं लगाए गए। आज लोग इन्होंने एफिडेविट ले लिए हैं NHAI ने कि भाई आप LAC ने ले लिए एफिडेविट कि आपको विदिन 60 डेज यू आर टू लीव द पोजेशन ऑफ द हाउस, एंड जमीन का कब्जा छोड़ना है, मकान का कब्जा छोड़ना है, मगर दूसरी तरफ लोग अपने मकान कहाँ बनाए उनको निशानदेही मौके की नहीं है, वहाँ डिमार्केशन नहीं है, वहाँ पिलर नहीं है, वहाँ RD नंबर नहीं है, तो हम कहाँ बनाएं मकान, ये मुश्किल आ रही है। इन सारी चीज़ों को लेकर के, मुआवजे को लेकर के, इस असेसमेंट रिपोर्ट को लेकर के आज हमारा विरोध प्रदर्शन है। हम अपना ज्ञापन जो है वो जिला मुख्यालय पर जिलाधीश को सौंपेंगे, और हिमाचल प्रदेश सरकार से भी मांग करते हैं और सेंट्रल सरकार को आगाह करना चाहते हैं, अगर ऐसा हुआ, आपकी एजेंसी है ये NHAI, और हमने देखा है कि आज जब से यहाँ पर अधिग्रहण का काम शुरू हुआ है, इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी है, जितने प्रॉमिस किए हैं, मुझे याद है कि इनका प्रोजेक्ट डायरेक्टर, इनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर से भी हम मिले, हमारे पंचायत के लोग मिले, हमारे BDC और दूसरे लोग मिले, इस संघर्ष समिति के लोग मिले, और उन्होंने कहा था कि हम विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड हम आपको मौके की डिमार्केशन देंगे। इसलिए आज हमारा विरोध प्रदर्शन है, और हम फिर पुनः मांग करते हैं कि NHAI के जो अथॉरिटी है, LAC को भी हम कहते हैं, LAC जो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर है उनसे भी मांग करते हैं कि मौके पर वहाँ पर बाउंड्री लगाई जाए, निशानदेही दी जाए, और जो मकानों के जो इन्होंने मूल्यांकन जो वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाई है उसको दोबारा पुनः जांच की जाए, उसको पुनः किया जाए, ये हमारी मांग। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।